हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये कहाँ है ये आपने थंबनेल में ऑलरेडी जान ही लिया होगा। ये है डालमिया पावर में। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे डायरेक्टली बता देता हूँ, मैं आपको कितनी बार बोला है यार आप अप्लाई कर दिया करो। आप क्या दोस्तों बहुत भाई ऐसा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मेरे एनालिटिक में समझ में आ रहा है। अगर इस वीडियो को 6000 बंदे देखेंगे तो अप्लाई करने वाले आप यकीन मानेंगे कुल 100 होंगे, कुल 100। अब आप अप्लाई करते नहीं हो और 100 में से मैं सच बताऊं जो वो डेली का आता है वो किसी न किसी की जॉब लगती ही लगती है। वो मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे पूरा पोस्ट कर देता हूं। जिन्होंने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारे अपडेट यहां से भी अलग अलग वैकेंसी के लाता रहता हूं। आप ही का बेनिफिट है, आप ही के है, आप ही को आगे बढ़ना है, आप ही को अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये है डालमिया पावर में। इसके हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। इसके क्या है, कैरियर सेक्शन में हमें जाना हो, सबसे पहले जब हम कैरियर सेक्शन में हम जाएंगे तो हमें इसकी करंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी कि कौन कौन सी करंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑलरेडी इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दिया है, बट अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे और अपने आप से अप्लाई कर देंगे तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत वैकेंसी ऐसी है जो सबके लिए है। मैंने जैसे बताया डिप्लोमा बीटेक दोनों ही एलिजिबल है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आपको दिख रहा होगा कि ये 24 मार्च को लास्ट वैकेंसी आई है, ऐसा नहीं है। वैकेंसी आज भी पोस्ट आउट हुई है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप आएंगे, देखिए सबसे पहले आपको मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ आना होगा। ये ऑलरेडी ये जो है ये दो वेबसाइट है डालमिया की। डालमिया ने जो अपनी जो इसके पहले एकदम से सर्वर हाई हो जाता था, जिस वजह से उसने एक एक्सटर्नल सर्वर बनाया है डालमिया का ही, और डालमिया के ऑफिशियल वेबसाइट है वो। आपको मैं दिखाता हूँ वो कैसे आपको जाना है उस पर। ऑलरेडी मैं उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको क्या करना है, जैसे आप देखेंगे कुछ वैकेंसी जो टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर, इनमें भी आपको ऑन गोल दोस्तों ये इनमें भी आपको सबमिट करना है। ये है बीटेक वालों के लिए, बीटेक ऑल ब्रांचेज के लिए है। जैसे कि आपने देखा है डालमिया किस किस सेक्टर में वर्क करता है, डालमिया भारत ग्रुप करता है दोस्तों पावर सेक्टर में वर्क, और ये वैकेंसी भी डालमिया भारत ग्रुप में है। डालमिया सीमेंट, डालमिया शुगर और डालमिया OCL। दोस्तों ये जो वैकेंसी है जैसे कि आपने थंबनेल में देखा डालमिया पावर में है। आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। जब आप ये जो टेक्निकल सर्विस इंजीनियर का देखेंगे इसमें करेगा बीटेक वाला अप्लाई, और जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर में करेंगे डिप्लोमा वाले अप्लाई। तो आपको क्या करना है, वैसे तो आपको डायरेक्ट लिंक भी मैं दूसरी जो इसका एक्सटर्नल वेबसाइट है उसका भी दे दूंगा, बट अगर आपको इसका डायरेक्ट लिंक नहीं मिल पाता है तो मैं आपको दूसरा लिंक देता हूँ। दोस्तों यहाँ आपको करना है व्यू ऑल जॉब। जैसे ही आप व्यू ऑल जॉब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की सीट मेंशन होकर आ जाएगी। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं छोटा सा अपडेट रेलेवल बाय अनअकैडमी के आपके बारे में दे देता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट आपको रेलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में देना चाहता हूं, और एक आपको काम की बात बताऊंगा जो रेलेवल ने आज ही लॉन्च की है तो आपके लिए बहुत ही काम की रहने वाली है। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट दोस्तों, रेलेवल एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप 15 डेज में आपकी जॉब, ड्रीम जॉब की गारंटी मिल सकती है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, खाली एक टेस्ट क्लियर करना है। एक और चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में रिलेवल के बारे में शुरू होने से पहले बताया था कि पहले क्या था कि रिलेवल जो टेस्ट कंडक्टर आता था उसमें 700 स्कोर लाना या 750 लाना मैंडेटरी था, बट रिलेवल ने अब कंपलसरी कर दिया है 500+। मतलब अगर आप 500 भी लिया है तो आप अनलिमिटेड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसमें क्रेड, मैश्रो, 1MG, टाटा बाय 1MG, अपग्रेड और भी बहुत सारी कंपनीज, और दोस्तों यहां आपको गुडीज भी मिलती हैं। यहां आपको आईफोन, मैकबुक प्रो अलग अलग चीजें मिलती हैं। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं तो आपको मिनिमम 6 लाख रुपए मिलेंगे, 4 से 6 लाख रुपए, और दोस्तों आप नॉन टेक से हैं तो मिनिमम 4 लाख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और याद रखिए कि ये जो सैलरी होगी वो अप टू द 40 लाख, अप टू द 50 लाख, और ये बिल्कुल सच है, और ऑलरेडी ये 16 करोड़+ वर्थ की जॉब डिलीवर कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो अभी जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों अप्लाई जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हाईली रिकमेंडेड, जाके चेकआउट जरूर कीजिए, साइन अप कीजिए, और इसमें जल्दी से जल्दी आप अपना स्लॉट बुक करके एग्जाम दे दीजिए। और 500 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और दोस्तों ये क्लियर करके आप अनलिमिटेड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप दोस्तों जैसे ही आप यहाँ आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी वैकेंसी
तो आपने देखा होगा कि मैं उसका एक्सटर्नल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ कौन सी वैकेंसी की, आज 28th है, 28th 3, 28th 3, ये सारी वैकेंसी आज ही आई है। जैसे ये सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर में कौन कौन अप्लाई करेगा, डिप्लोमा बीटेक दोनों। और मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको अलग अलग मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करना है। आप कुछ भी हो, आपने बीटेक कर रखो, आपने डिप्लोमा कर रखो, बट आपको मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करते रहना है। नेक्स्ट भी सेल्स ऑफिसर है, बट उसके बाद आप देखेंगे शिफ्ट इंजीनियर, शिफ्ट इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, इनमें दोनों। आप देखिए ये जो शिफ्ट इंजीनियर है, इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, इन्होंने इसमें मेंटेनेंस इंजीनियर में भी क्वालिफिकेशन मांगी है, बट सेल्स ऑफिसर में उन्होंने कहीं भी आपसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है, क्योंकि फ्रेशर वाले और एक्सपीरियंस वाले दोनों ही एलिजिबल हैं। अब जो एक्सपीरियंस वाले मेरे से भाई बोल रहे थे दोस्तों, वो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप देखेंगे इसमें इसमें क्या मांगा गया है। इसमें आपसे कुछ बिल्कुल डायरेक्टली आप ग्रेजुएट, और बट इसकी लास्ट डेट भी मेंशन की है उन्होंने, अप्लाई बिफोर 3 तारीख से पहले ही आपको अप्लाई करना होगा, मतलब 3 अप्रैल से पहले। और दूसरी वाली है मेंटेनेंस इंजीनियर और शिफ्ट इंजीनियर की, ये भी वैकेंसी अभी चालू है दोस्त। दूसरी ये देखेंगे टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, ऐसी जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, ये सारी वैकेंसी अभी ओपन है, ऑल वैकेंसीज ओपन है। और जो ये देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैंने पहले भी बोला है कि ना मामा से काणे मामा अच्छे हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, उससे अच्छा है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट जॉब मिले, आप इंटरनली ट्रांसफर करा सकते हैं, तो आपको सेल्स ऑफिसर में, बट आपकी पोजीशन मतलब आपका जो रहेगा वो एरिया भी दूसरा रहेगा, मतलब इन द सेंस कि आपको अपने होम, ये तो आप मान लीजिए कि पेन इंडिया ही जॉब मिलेगी, कभी भी आपको होम सिकनेस जिनको है, जो अपने घर में जॉब लेना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल बहुत टफ होता है, वो बहुत टफ होता है, वो आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिल जाए, बट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो आपको क्या करने लेना है, यहाँ आके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। अपनी ईमेल आईडी देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि एक दो ईमेल आईडी आप बना लीजिए अपने लिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको दो तीन जगह अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर अपने OTP डाल के आगे आएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की मेंशन आएगा। आपको सबसे पहले दो तरीके देखेंगे, इन्होंने इंडीड से और लिंक्डइन से भी आप साइन अप कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा लिंक्डइन से भी कर दीजिएगा, बट यहां अलग से फॉर्म जरूर सबमिट कीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, जो आपका टाइटल है मिस्टर है, मिस है, और मिडिल नेम, री एंटर ईमेल, और डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन, मतलब आप मैरिटल हैं या मैरिड हैं आप या नहीं है, जेंडर आप क्या है। दोस्तों इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप अनमैरिड लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है पैन इंडिया की जॉब होती है, तो वो ज्यादा प्रेफरेंस अनमैरिड को ही देते हैं दोस्तों। उसके बाद एड्रेस में परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ही आप दूसरे वाले पे आएंगे, ये है पूरा का पूरा, डू यू हैव वर्क लीगल वर्क परमिट इन इंडिया दोस्तों, ये है आउट ऑफ इंडिया वाले के लिए दोस्तों। दूसरा है कि आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसेस इन एनी कोर्ट, दोस्तों इसको मना कर दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। हैव यू बीन अक्यूज्ड ऑफ ड्रग अब्यूज, तो दोस्तों ये भी आप नो ही कीजिएगा। और सेक्सुअल ऑफेंस अगर आपने किया भी है, तो इसको नो ही कीजिएगा। और उसके बाद आप पे ये जो एक्सपीरियंस, आपको एक साइड एक्सपीरियंस लिखना है, एक साइड अपनी एजुकेशन लिखनी है। और 2022 वाले, मैंने फाइनल ईयर पास आउट इसीलिए लिखा है क्योंकि 2022 वाले इसमें डायरेक्टली एलिजिबल है। आप एजुकेशन एक साइड लिख दीजिएगा, एक साइड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे ही आप इसमें बढ़ेंगे, तो अपलोड रिज्यूम और अपलोड कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है दोस्तों एक अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, उसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पिन करके पोस्ट कर दिया है, जल्दी से जल्दी जाके वहाँ एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी वर्क प्रेफरेंस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ट्रैवल डोमेस्टिकली, यस। ऐसे ही ट्रैवल इंटरनेशनली, यस। ऐसी विलिंग टू रिलोकेट, यस। ये रिलोकेट का मतलब है कि एक से दूसरी जगह आप जा सकते हो। लेंथ ऑफ विलिंग टू रिलोकेट, तो अनलिमिटेड लिख दीजिएगा। रीजन टू लोकेट, रीजन रिलोकेशन रीजन, तो बोल दीजिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब या नीड ऑफ जॉब, और कमेंट्स में कुछ लिख दीजिएगा। उसके बाद पार्ट टाइम वर्क, कंसिडर पार्ट टाइम वर्क, नो कर दीजिएगा। येस, परमानेंट जॉब ही चाहिए। वर्क एज ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल, येस। मिनिमम पे, जो भी मैंने थंबनेल में लिखा है, या फिर अपने हिसाब से आप इसको कर दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेजेस में देखिए, 2 से 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एक तो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज हो, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज, और आपकी हिंदी इंग्लिश तो कन्फर्म है ही। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख के इसको सबमिट कर दीजिएगा। 90% आपका देखिए रिप्लाई आता है, बट बहुत बंदे अगर उस अप्लाई नहीं करते हैं, या अप्लाई तब करते हैं जब हाथों से बात निकल जाती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। इसीलिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।